जदि चातक मेघ को अनैथिब किंतु वर्षा जल जदि ता पाटी रे टोपे न पड़िला ताले चातक चाही चाही ता जीवनटा नष्ट हेइ जीव मोहन किंतु वर्षा जल टोपे पाइबोनी कुहत हे मोहन हे कृष्ण तमे आमको जेते प्रकार कथा कहुचो आमे सुनुचो तम कथा तमे जेतिकि जुक्ति करुचो आमे संगेरे आमे सुनुचो से कथा अष्टम छंद चली आज्ञा गोपी माने कहिले से कथा छाड़ी आंभ वचन सुण से कथा छाड़ी आंभ वचन सुण सुनी बोलते नंद जसदारण शिशुभूषण रिपो पियर सुनी हसी बोलते सुना प्राण मितणी प्राण मितणी गोपी मानंकर कथा शुणुचंती भगवान कृष्ण गोपी माने कहिले कृष्ण आम कथा शुण तमे कह वर्षा पानी जदि चातक पाटी न पड़ा चातक करिब कौन आउ वर्षा सबु जगार होतब जदि चातक न पाइला हेतरे वर्षार कि दोष गोटे श्लोक मन पड़ू आज्ञा दोष कार नुह श्लोक कौन श्लोक कहे आज्ञा सुंदर श्लोक टीए पत्र नैव जदा करी रविटपे दोष वसंतस्य किं अल्लोक न सदृश्यते जदि दिवा सूर्यस्य किं दुष्ण वर्षा नैव पतंति चातक मुखे मेघस्य किं दुष्ण जद्धाता निज भालपटे लिखितं कर्मानुसारे फल हे कृष्ण गोपी माने कहते पत्र मनैब जदा करीर बितपे दोषा वसंतस्य किं आज्ञा बसंत ऋतु रे सबु गछरे नुआ नुआ कौलिया पत्र धरे किंतु बाउंश गछर पत्र गुड़ाक सब नष्ट हो जाए गोटे गछ आज्ञा सबु गछरे फूल पत्र भर्ती होता बेले बाउंश गछटी लंडा हो जाए बसंत ऋतु रे एतिरे कौन बसंत ऋतुर दोष बाउंश गछ कहिबा सबु गछरे पत्र रहिला मो पत्र कहीं झड़ला कहना कृष्ण एटा कौन बाउंश गछर दोष।